हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ राशन कार्ड की लिस्ट को कैसे निकालते हैं अपने मोबाइल से। तो सिंपली आप सबसे पहले आपको अपना मोबाइल का जो गूगल क्रोम है उसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे टाइप करना है FCS। आपने टाइप किया उसके बाद इस पर एक बार क्लिक कर दीजिए FCS टाइप करके, और फिर यहाँ पर देखिए आपकी पहली वेबसाइट जो है वो यहाँ पे FCS स्टेट पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का आ चुका है। यहाँ पे एक बार क्लिक कर दीजिए और देन फिर आपके सामने कुछ इस तरीके का पोर्टल जो है ओपन हो जा रहा है। अब फिर सिंपली आपको यहाँ पे मेनू वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर एक बार क्लिक कर दीजिए मेनू वाले ऑप्शन पे। उसके बाद फिर आपको एक पॉपअप दिखाई देगा, इसको आप हटा दीजिए पॉपअप। उसके बाद यहाँ से देखिए आपको राशन कार्ड की पात्रता सूची पे एक बार क्लिक कर देना है। देन करने के बाद आपको देखिए इस तरीके से पोर्टल आ जाएगा और यहाँ पे आप अपने ज़िले का नाम एक बार चुन लीजिए। तो यहाँ पे ज़िले का नाम चुन लेते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए टाउन एरिया और यहाँ देखिए जो ग्राम में रहने वाले लोग उनको अपना ब्लॉक चुन लेना है। तो अब मैं अपना ब्लॉक चुन लेता हूँ। देन फिर यहाँ पे अब देखिए ब्लॉक चुनने के बाद आप आपका खुल रहा है। अब यहाँ पे देखिए अपने गाँव का नाम आपको चुन लेना है। यहाँ पे देखिए आपको ग्राम पंचायत का नाम चुन लेना, और फिर यहाँ से देखिए आप पात्र गृहस्थी हैं या फिर अत्योदय कार्ड है तो यहाँ से आप चुन लीजिए। यानी कि लाल है आपके या सफ़ेद कार्ड है, तो मेरा सफ़ेद है तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। और फिर यहाँ पे देखिए आपको सारे ग्रामीण वासियों का जो भी यहाँ पे राशन कार्ड है सबका नाम यहाँ पे दिखाई देगा। आप अपना नाम ढूंढ के उसी पे एक बार यहाँ देखिए क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करने के बाद आपका पूरा डाटा यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ से आप लोग प्रिंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।